बिहार झारखंड के लोगों को वंदे भारत ट्रेन का बेसब्री से इंतजार है। सूचना थी कि रांची स्टेशन से ट्रेन का संचालन 25 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, लेकिन तकनीकी कारणों से ट्रेन का संचालन नहीं हो सका। ऐसे में भी यह बात कही जा रही है कि मई के अंत तक रांची से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो सकता है। ट्रेन के परिचालन के लिए सारी तैयारियां की जा चुकी है, वहीं परिचालन के लिए किराया भी पूर्व निर्धारित है। पटना से रांची चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने रेलवे बोर्ड को दो अलग अलग समय सारणी का प्रस्ताव भी भेजा है। रेलवे की ओर से भेजी गई पहली समय सारणी में पटना से ट्रेन सुबह 6:35 पर रवाना होगी और दोपहर 1:20 पर हटिया स्टेशन पहुंच जाएगी। वहीं हटिया से ट्रेन दोपहर 2 बजे खुलेगी और रात 8:25 पर पटना पहुंचेगी। वहीं दूसरी सारणी के अनुसार हटिया से यह ट्रेन सुबह 7:55 पर रवाना होगी और दोपहर 2:20 पर पटना पहुंचेगी। वहीं पटना से ट्रेन दोपहर 3:25 पर रवाना होगी और रात 9:50 पर हटिया पहुंच जाएगी। रेलवे ने प्रस्ताव में कहा है कि पटना गया रेलखंड पर वंदे भारत ट्रेन का परिचालन 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकता है। बताया जा रहा है कि ट्रेन जहानाबाद, गया, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बड़का काना, टाटी सिल्वे और रांची होते हुए रांची रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इससे यात्रा के समय में करीब 2 घंटे की कटौती होगी, यानी कि ट्रेन अब केवल 6 घंटे में पटना से रांची पहुंच जाएगी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।